बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब हम लोग बात करेंगे यहां पर सॉलिड बॉडी की बात करेंगे, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स Does not change during application of external force। जैसे कि इस तरह का है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो अगर इनका मोशन होगा तो इसके पार्टिकल जो होंगे उनके शेप एंड साइज चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, पहला है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एक है प्योर रोटेशनल मोशन, और थर्ड है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि एक एक्सिस रहेगा, उस एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ इस तरह से मोशन करेगी। यहाँ पर एम मास है, ये आर है, तो इसका अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो आई इक्वल टू एम आर लिखा जाए। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करेगी, ओके, तो इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर है एक पार्टिकल एम वन, इसका डिस्टेंस आर वन हो गया एक्सिस से। यहाँ पर एक पार्टिकल है वो है एम टू,
डिस्टेंस कितना है आर टू, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस जो है आर थ्री। तो इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर। इस तरह से जोड़ देंगे यानी आई इज इक्वल टू समेशन एम आर का स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अगर कोई रिजिड बॉडी है उसके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सपोज दैट की रिजिड बॉडी है, कंटिन्यूअस कहिए कंटिन्यूअस बॉडी, तो इसके लिए लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर और डी एम, ऐसे करेंगे। आर स्क्वायर डी एम बोलेंगे, आई इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम इसका नाम होगा। क्लियर। इसमें एक और वर्ड्स है, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। के सिंबल देते हैं इसको, के हैज नो मीनिंग, के हैज नो मीनिंग विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू लिखते हैं एम के स्क्वायर, वेयर के इज अ स्केलर क्वांटिटी, के इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। तो के इज इक्वल टू जो होगा वो आई बटे एम अंडर रूट। जैसे ये रॉड है और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। रिंग है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर के अबाउट वो होगा आई सी एम इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। डिस्क जो होगा डिस्क उसका हो जाएगा सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। उसी तरह से अगर लेमिना हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, सेंटर हो गया, ये हो गया ए, तो ए हो गया आपको बी, इसका मास कितना है एम, इसका भी मास एम है, रेडियस आर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो होगा एम ए स्क्वायर बाई 12
प्लस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो आई सी एम इज इक्वल टू एम बटे 12 ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे होगा। इस तरह से आप ले सकते हैं, रॉड रिंग डिस्क लेमिना होल स्फीयर सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई सी एम इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर ICM is equal to 2/5 MR square. Hollow cylinder जो होगा वो हो गया ICM is equal to 1/2 hollow cylinder का होगा MR square. सॉलिड सिलेंडर का होगा ICM इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरम। तो पहला जो थ्योरम इसमें हम पढ़ते हैं वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक रिजिड बॉडी है, मान लीजिए रिजिड बॉडी है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, ये ICM हो गया, और आप इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, जैसे कि ये हो गया ए ये हो गया बी, आप चाहते हैं कि हम इसके अबाउट निकालें, तो ये वाला जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो डी है, टोटल मास इसका एम है, तो आई ए बी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आया, इसके अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आई सी एम तो आपको मालूम ही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ये मालूम है आपको, ओके, अब प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी का स्क्वायर, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी का स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे ये रॉड है, इसके अबाउट मूव कर रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसकी लंबाई एल होगी, और आप निकालना चाहते हैं इसके अबाउट, इसके अबाउट निकालना चाहते हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, तो सेंटर ऑफ मास से कितना दूरी पर होगा, एल बाई टू दूरी पर होगा। तो अगर हम आई ए बी लिखें, आई ए बी इज इक्वल टू फार्मूला क्या लिखेंगे, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई सी एम का मतलब है यहाँ पर एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम, इसका लिखेंगे एल स्क्वायर बटे 4, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बटे 3, और ये हो गया आई, क्या हो गया ए बी, आई ए बी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बटे 3, इसको बोलते हैं ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऐसे हम लोग बातें करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर डिस्क है,
और सेंटर ऑफ मास से आप निकालना जानते हैं, ये मालूम है आपको सेंटर ऑफ मास से। कोई कहे कि इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट मतलब ऐसे, इस तरह से आपको मालूम है बिल्कुल वर्टिकल, अगर ऐसे मालूम है आपको इसके अबाउट निकालना है, इस कलम के अनुसार निकालना है, तो ई हो गया क्या आर हो गया, ये हो गया क्या आई सी एम हो गया, ये हो गया आपको ए और ये हो गया बी, इसके अबाउट निकालना है। तो आई ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई सी एम प्लस एम डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, आई ए बी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आई सी एम का होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा थ्री बटे टू एम आर स्क्वायर, ये हो गया डिस्क है, तब ये डिस्क है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी, टाइप्स ऑफ बॉडी, हर तरह के बॉडी वैलिड है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि वन डायमेंशनल बॉडी हो, टू डायमेंशनल बॉडी हो, थ्री डी हो, ये सभी के लिए वैलिड है। अब आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि ये जो वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली 2D बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर टू डायमेंशनल बॉडी। अब जैसे कि इस तरह से कोई बॉडी है, ऐसे इधर है एक्स एक्सिस, इधर है जेड एक्सिस और इधर हो गया वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ऊपर में है कौन, जेड एक्सिस ऊपर में है। तो जो आई जेड होगा, आई जेड वो क्या हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। सेंटर ऑफ मास एलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, इस तरह से हम लोग फार्मूला लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रिंग है, ये है रिंग, ओके, और कोई कहता है कि इसके अलोंग और इसके अलोंग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो अलोंग तो डायगोनल हो गया, सॉरी डायमीटर, और यहाँ पर हो गया अलोंग द डायमीटर, एक हो गया कौन, तो ये हो गया आई एक्स, ये हो गया आई वाई, एक हो गया आपको क्या आई सी एम जो सेंटर ऑफ मास है, उसको क्या लिखेंगे आई जेड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसे लिखा जा सकता है ना, यानी इसको लिखेंगे आई सी एम इज इक्वल टू आई एलोंग द डायमीटर प्लस एलोंग द डायमीटर। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एम आर का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे टू आई डी, तो आई जो डी होगा एलोंग द डायमीटर होगा वो क्या होगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना होगा टू, होगा ना, एलोंग द डायमीटर रिंग का किसके बराबर आ गया, डिस्क के बराबर आ गया। उसी तरह से अगर हम डिस्क की बात करें
डिस्क के लिए लिखते हैं, सपोज दैट ये डिस्क के लिए लिख रहा है अलोंग द डायमीटर, तो ये भी आईडी है और ये भी आईडी है, इसका मास एम है, इसका भी मास एम था, रेडियस आर था, इसका भी मास एम है, रेडियस क्या है आर है, तो यहाँ पर क्या हो गया आईडी प्लस आईडी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बटे टू। सेंटर ऑफ मास से जब पास करता है डिस्क के लिए तो क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू ही होता है, तो यहाँ पर हो गया टू आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, तो आई डी इक्वल टू होगा एम आर स्क्वायर बाई फोर, ये डिस्क के लिए आ गया, देख रहे हैं एलोंग द डायमीटर। उसी तरह से एक स्क्वायर प्लेट होगा, जैसे कि स्क्वायर प्लेट है इसके डायगोनल से निकालना है, ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर प्लेट है, आपको निकालना है इस तरह से, ये डायगोनल, ये हो गया डायगोनल, आई सेंटर ऑफ मास हो गया, ये भी हो गया क्या डायगोनल आई सेंटर ऑफ मास हो गया, ओके, इसका मास एम है और इसका ये वाला साइड भी कितना है ए है, ये भी कितना है ए है, तो सबसे पहले तो इसमें ये लिखेंगे कि आई सी एम इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, ये और ये परपेंडिकुलर है, इस पर कौन है जेड एक्सिस भी क्या है परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आई सी एम इज इक्वल टू टू आई डी, तो आई डी इज इक्वल टू आई सी एम डिवाइडेड बटे कितना टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पहली बात की यहाँ पर आई सी एम निकालना पड़ेगा, तो आई सी एम में हम लोग फार्मूला क्या लिखते थे एम ए स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 12, लेमिना था, तो लेमिना में अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बराबर बी किसके लिए स्क्वायर के लिए स्क्वायर प्लेट के लिए, तो पहले आई सी एम निकालते हैं, तो आई सी एम बराबर हो गया एम ए का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया 12 इज इक्वल टू टू एम ए का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 12, ये हो गया 6, मतलब कि एम ए का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या 6, ऐसे लिखेंगे आई सी एम। तो यहाँ पर हो गया आई डी डायगोनल, तो आई सी एम हो गया एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बटे 6 इंटू क्या हो गया 2, आई डी डायगोनल इज इक्वल टू एम ए का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 12 डिवाइडेड बटे 12। एलोंग द डायगोनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट यहीं आएगा, क्लियर है। उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि डिफरेंट यहाँ पर शेप पे बॉडी आएगी, उसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना रहता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर इस तरह से है, इस तरह से एक्सिस है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है एल है, और इसके अबाउट इसके सेंटर एस के अबाउट पूछ दिया तो क्या होगा, इसके अबाउट अगर पूछता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए तो ये एक रॉड की तरह हम लोग अब मानेंगे इसको, इसको कैसे मानेंगे रॉड की तरह मानेंगे, और इस सेंटर वाला कैसे मानेंगे डिस्क वाला मानेंगे, ई वाला जो शेप है वो डिस्क मानेंगे, ई वाला जो लंबाई है ऐसे ऐसे उसको रॉड एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसको जो आई जो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखेंगे एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये डिस्क जैसे लिख दिया, और उसके बाद इसको रॉड मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया 12 हो गया एम एल स्क्वायर बटे 12,
इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? अगर कोई कहता है कि सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है, ये भी था सॉलिड, डिस होलो सिलेंडर था, सॉरी सॉलिड सिलेंडर था, ये सॉलिड स्फीयर है, और कोई कहता है कि अलोंग द डायमीटर निकालिए, अच्छा है अलोंग द सेंटर ऑफ मास निकालिए, तो एक ही बात होता है। इसमें अगर कहता है कि आई डी निकालिए, अच्छा है आई सी एम लिख लिए, तो ये सेम होता है। इसमें होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, अलोंग द डायमीटर का है चाहे अलोंग द सेंटर ऑफ मास का है, एक ही बात है।